बढ़ते आगे इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जो कांग्रेस की लिस्ट को लेकर टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस जल्दबाजी में नहीं है, जैसे बात आगे बढ़ेगी लिस्ट सामने आएगी। पितृपक्ष से पहले होना है या नहीं ये देखना होगा। बोनस और आवास पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि बोनस के साथ 47,000 घर और मिल गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, केंद्र को पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना हिस्सा देना चाहिए। कांग्रेस जल्दबाजी में नहीं दिख रही, प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया के तहत बात जैसे आगे बढ़ेगी तो लिस्ट सामने आएगी। बीच में अभी ये बात आ रही है, कुछ लोग उसमें संवेदनशील हैं कि पितृपक्ष लग रहा है और पितृपक्ष की पहले हो पाएगा कि नहीं वो देखना। 1800 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। 6,99,000 वो घर जो पहले के बचे हुए थे और लगभग 47,000 और अतिरिक्त जो सर्वे में छूट गए थे। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की है कि ये 47,000 अंतिम आंकड़ा नहीं है, भविष्य में और भी अगर कोई ऐसे परिवार पाए जाते हैं जिनको घर की आवश्यकता है तो राज्य सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से टीएस